मंडी जिला के टिहरी पंचायत के कांडी गांव में अचानक 150 पशुओं का झुंड पहुंच गया। गांव में पशुओं को देखकर ग्रामीण भी दंग रह गए। ग्रामीण इसकी सूचना पंचायत प्रधान, जिला परिषद सदस्य व उप प्रधान को दी, जिसके मिलते ही तीनों जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। जब इन जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इन पशुओं की शिनाख्त करने का प्रयास किया तो उनके कानों पर टैग पाए गए, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये पशु साथ लगते गौ सदन से छोड़े गए हैं। ये देखकर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधि के साथ मिलकर इन पशुओं को वापस गौ सदन में पहुंचा दिया। साथ ही ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से आवारा पशु छोड़ने वाले लोगों को गौ सदनों के संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। टिहरी पंचायत के कंडी गांव में करीब 150 आवारा पशु अचानक घुस गए। ग्रामीणों ने इन पशुओं को पंचायत के माध्यम से वापस गौशाला में छोड़ दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये पशु आवारा नहीं है बल्कि गौवर्धन है, जिन्हें गौ सदन संचालकों ने जानबूझकर यहां छोड़ दिया था। मुझे भी आज सुबह 6 बजे गाँव कंडी के एरिया के, जो मेरी पंचायत में एरिया आता है, वहां से सूचना मिली कि 100 से ऊपर जनसंख्या से ज्यादा पशु जो है मुंजग में छोड़ने जा रहे हैं। मुंजग एक ऐसी जगह है, वहां पानी की कोई भी सुविधा नहीं है, जैसे कि जिंदे जानवरों को वहां पर कौवे और ईले खाती है, और वहां के लोग जब सब्जी बिजाते हैं तो वहां से निकलकर कुछ पशु लोगों की सब्जियों का नुकसान करते हैं। इससे जो है बहुत ज्यादा परेशानी इस पंचायत में है। मैं चाहता हूं कि जितने भी ये पशु आए हैं, यहाँ जिला परिषद के मेंबर भी मौका पर पहुंचे थे, हम सब लोगों ने पशुओं के फोटो लिए और पशुओं को जिस गौ साधन से बजौरा से आए थे उसी गौ साधन में इनको भेजा जाए, ताकि वहां पर इनको पानी की पीने की सुविधा है, रोड लाइन का है, वहां पर लोग इनको दान भी देते हैं। जब ये गौ सदन खुला था तो वहां पर जब पशु कोई छोड़ता था तो वहां पर पैसे भी लिए जाते थे। ओरे परे से इनको घास की सुविधा मिलती थी, और जिस जगह में इनको छोड़ा जा रहा था उस जगह में आवारा पशु पहले से भी बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, इसलिए जो है इनको वही स्थान पर भेजा जाए। मुझे भी जैसा कि बताया, जिला परिषद मेंबर ने भी बताया और प्रधान जी ने भी बताया, ये मामला जो है ये आवारा पशुओं के उसमें हुआ है, जो मुंजग में छोड़ने के लिए भेजे थे। ये बोल रहे हैं कि एसडीएम कुल्लू बोल रहे हैं कि भाई आवारा पशु भेजो। दूसरी बात, यहाँ पे आवारा पशु कैसे भेजे जा सकते हैं? यहाँ पे सेंचर एरिया आता है, सेंचर एरिया मीन्स भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं, एंटर कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं डीसी साहब और सरकार, हिमाचल सरकार से भी बात करना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री मोदी जी ने अखबारों में भी भेजा था कि हर मंदिर जो रजिस्टर्ड है उनका 10% जो है गौ सदन को दिया जाएगा। तो गौ सदन को सरकार दे रही है पैसा, कुछ भी है तो ये एक्सक्यूज नहीं होता है कि हमारे पास घास नहीं है या कुछ है। हिमाचल सरकार भी इस पे विचार करे, और एसडीएम डीसी जिससे भी इन्होंने बात की हो, वो वर्बली हुई है, वो इन रिटर्न नहीं हुई है। हमने जब इनसे इन रिटर्न मांगा तो इनके पास कुछ नहीं था, हमने वापिस वही जो भिंडी बाई में गौ सदन है, ये पहले भी शक के दायरे में है, वहाँ आवारा कुत्ते इन पशुओं को खाते थे, छोटे छोटे बछड़े बछड़िया होती थी उनको जिंदे जी वो नोचते थे। मैं हिमाचल सरकार और हम सभी ये चाहते हैं, नुकसान तो बाद की बात है, हम तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमें भी शर्म हो रही है हिंदू होने पर, जब सरकार इतना कुछ कर रही है तो मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा ठीक से। आज सुबह ही मुझे फोन आया था करीब 8-9 बजे कि यहाँ पे एक कांडी गांव है, वहाँ पर आवारा पशु छोड़े जा रहे, वो भी करीब 100-150 के करीब है आवारा पशु, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये यही नजदीक भिंडी बाई गौ सदन से आए हुए हैं। तो इसलिए मैं अभी अभी यहाँ पे पहुंची हूँ, और मौके पर इतने पशु पाए भी गए हैं, अभी उनसे इंक्वायरी भी की जा रही है कि कैसे आए, तो वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे छोड़ने आए थे, और जिस एरिया में वो छोड़ने जा रहे हैं मुंजक बता रहे हैं, वो मंडी में भी आता है, तो वो वहाँ पे पानी पीने की, और रास्ता इतना गंदा है कि आवारा पशु के चलने के लिए बहुत मुश्किल है, वो इन पशुओं के लिए, या वहाँ पे आदमी को चलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो रात को भी 2 पशु पहले ही मर गए हैं जाते जाते ही इनके, तो इसलिए इसकी इंक्वायरी की जाए, कहाँ से आए हैं और क्यों यहाँ पे छोड़ने जा रहे थे, और आवारा पशु इतने ज्यादा हैं नीचे, जब जैसे बर्फ गिरेगी तो ये सारे पशु नीचे आ जाते हैं निचले एरिया में, और नीचे मैक्सिमम एरिया खाली पड़ा हुआ है, ना लोग फसल लगा पाते हैं,
यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, सारे लोग इनकी सब्जियां कुछ भी नहीं हो रहा है। एक हमारे यहाँ पे गरीब, वैसे ही गरीब किसान है, और जो सब्जी से वो कुछ कमा पाता है वो ये आवारा पशु की वजह से कुछ भी नहीं कमा पा रहा है। तो हम सब लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, इन सभी लोगों की समस्या, भाइयों की समस्या है, ये सभी बहुत दुखी हैं इस बात से। अभी इनको दोबारा से हम भेज रहे हैं, पर अब पता नहीं है कहाँ तक जाएंगे, क्या होगा। तो मेरी बस यही, मैं ये चाहती हूँ कि ये जहाँ से आए ये वहीं पे पहुँच जाए।